कि मेरा परमेश्वर भविष्य में है, इज ऑलरेडी देयर, प्रेज गॉड। और आप जो लोग पढ़ रहे हैं स्कूल कॉलेजेस में, आप वो कर सकते हैं जो मैंने किया। या तो आप दुनिया भर का न्यूज देख के बोल सकते हैं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, या तो फिर आप पढ़ रहे हैं और आप विश्वास के साथ बोल रहे हैं, प्रभु जिस दिन मेरा ग्रेजुएशन होगा और जिस दिन मैं कॉलेज से बाहर निकलूंगा, मैं अपने ऑफिस में कदम रखूंगा यीशु के नाम से। या प्रेज गॉड बाय फेथ, प्रेज गॉड। आप विश्वास के साथ बोलिए कि मेरा पढ़ाई खत्म होगा, आखिरी दिन मैं कॉलेज से निकलूंगा, मैं कंपनी में की तरफ जाऊंगा, प्रेज गॉड। वैसे हम विश्वास से जीते हैं, वी लिव बाय फेथ। काम ही काम है, लेट मी टेल यू, जरूरत से ज्यादा काम है देखने का नजरिया है। एक व्यक्ति ने देखा और कहा कि स्वामी हम क्या करें, बहुत दुश्मन लोग हमारे विरुद्ध में हैं। स्वामी ने कहा नहीं, जो लोग हमारे साथ हैं वो उनसे ज्यादा हैं जो हमारे विरुद्ध हैं। देखने का तरीका, प्रेज गॉड। और मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप काम ढूंढ रहे हैं, If you are searching for a job, जिस दिन आपका उस कॉलेज में, उस यूनिवर्सिटी में आखिरी दिन होगा, उसके पहले वो जॉब आपके हाथ में होगा यीशु के नाम से। It will be there. Praise God. हमारा भरोसा किसी कंपनी पर नहीं है, हमारा भरोसा परमेश्वर पर है, हमारे पिता पर है। Praise God. He will do it. Praise God. Okay. तो उसका हृदय संभाला हुआ है, इसीलिए वो न डरेगा। उसको आप डरा नहीं सकते, you can't scare him. उसके दोस्त लोग उसको डरा नहीं सकते, उसके माता पिता उसको डरा नहीं सकते, उसके पति पत्नी उसको डरा नहीं सकते, न्यूज चैनल उसको डरा नहीं सकते, क्योंकि उसका हृदय स्थिर है, उसका हृदय संभाला हुआ है। What a man, एकदम यीशु जैसा। यीशु ने कहा कि संसार का सरदार आता है लेकिन मुझ में उसका कुछ भी नहीं। प्रेज गॉड। ओके, तो 3 points। सबसे पहला, बी एस्टैब्लिश्ड इन द फादर्स लव। वो कौन सा जगह है जहां पर आप आएंगे और डर आपको डर पहुंच नहीं सकता? सबसे पहला, आपका हृदय पिता के प्रेम में स्थापित हो जाए। सबसे पहला, क्योंकि आपका हृदय स्थिर होना चाहिए, आपका हृदय संभाला हुआ होना चाहिए। स्थिर किस में होना चाहिए, किस में होना चाहिए स्थिर? सोचिए आप एक पहाड़ के ऊपर हैं। कुछ लोग जब जाते हैं बाहर पहाड़ में, या बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर आप गए और अच्छा ब्रीज, अच्छे हवा का आप अनुभव कर रहे हैं, और आप अपने हाथों को ऊपर करते हैं और अच्छा हवा आ रहा है आपके ऊपर, और धीरे धीरे हवा की गति बढ़ने लगती है। प्रेज गॉड। आप हवा के साथ थोड़ा थोड़ा जा रहे हैं, फिर आप जब हवा के साथ थोड़ा थोड़ा जा रहे हैं तो आप क्या ढूंढ रहे हैं? एक ऐसे चीज को ढूंढ रहे हैं जो मजबूत है। प्रेज गॉड। क्योंकि जब हवा बढ़ रही है और हवा की गति बढ़ रही है, तो आप ऐसे कुछ चीज को ढूंढना चाहते हैं जो मजबूत है, जो स्थिर है, ताकि हवा के साथ आपको लेकर ना चले जाए। प्रेज गॉड। और वो स्थिरता कहां पर है? पिता के प्रेम में। आपका हृदय पिता के प्रेम में स्थापित होना चाहिए। इट मस्ट बी, नहीं तो आपको आसानी से डरा दिया जाएगा। आप जानते हैं, चेले नाव पर थे, यीशु मसीह सो रहा है, अचानक एक आंधी तूफान आया, चेले डर गए। दे आर स्कैंड। अचानक एक आंधी आया, वो डर गए और यीशु मसीह के ऊपर इल्जाम लगाना चालू कर दिया, क्योंकि उनके हृदय संभाला हुआ नहीं है। हमें अपने हृदय को पिता के प्रेम में स्थापित करना है। प्रेज गॉड। पिता के प्रेम को आप ऐसा पकड़ लेते हैं कि जहां पर भी आप जाते हैं, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो डीमार्ट में हो, चाहे वो मच्छी के मार्केट में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, जहां पर भी आप जाते हैं, उस पिता के प्रेम को आपने ऐसे पकड़ लिया है कि पिता मुझसे प्रेम करता है, वो कभी भी मेरे विरुद्ध नहीं हो सकता, वो कभी भी मेरा नुकसान नहीं सोच सकता, वो हमेशा मेरे लिए है, वो मेरे आगे है, वो मेरे पीछे है, वो मेरे ऊपर है, वो मेरे नीचे है, मेरे पूरे जीवन के मार्ग को उसने तैयार करके रखा है। मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है। माय फादर लव्स मी। प्रेज गॉड। उसके प्रेम में हमें स्थापित होना है। आप जानते हैं यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह ने कई बार, अगर आप मत्ती मरकुस लूका योहन्ना पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने कई बार ये कहा कि पिता पुत्र से प्रेम करता है। द फादर लव्स द सन। मैंने टीचिंग भी आपको दिया है इस विषय में। द फादर लव्स द सन। बार बार कहा कि पिता मुझसे प्रेम करता है, बार बार कहा। आपको भी कहना है, यू मस्ट से इट, पिता मुझसे प्रेम करता है। यू नो माई फादर लव्स। भविष्य का क्या होगा?
पिता मुझसे प्रेम करता है। प्रेज गॉड। कलीसिया का क्या होगा? पिता मुझसे प्रेम करता है। प्रेज गॉड। पिता मुझसे प्रेम करता है। आमीन। और क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है, वो मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। आमीन। प्रेज गॉड। पिता के प्रेम में हमें माहिर होना है। पिता सच में आपसे प्रेम करता है। ही लव्स यू। प्रेज गॉड। आप सोच के देखिए, मेरा एक बेटा है, उसका नाम अगापे है। किसी भी पापी के लिए मैं अगापे कभी नहीं दूंगा। प्रेज गॉड। मेरा अगापे मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेज गॉड। लेकिन आप जानते हैं पिता परमेश्वर ने क्या किया? अगर आपके बच्चे हैं, आप सोच के देखिए, पिता परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटा यीशु मसीह को पापियों के लिए दिया। वो आपसे प्रेम करता है। ही लव्स यू। वो सच में आपसे प्रेम करता है। बिलीव दैट लव। मतलब कई बार हम सोचते हैं हाँ प्रेम करता है, ठीक है, नहीं नहीं, आपसे प्रेम करता है, सच में प्रेम करता है आपसे। आपको उस प्रेम पर विश्वास करना है कि सच में पिता आपकी आंखें मेरे ऊपर है, मैं विश्वास करता हूं। कभी कभी बारिश होता है, कभी कभी प्रमोशन हो जाता, कभी प्रमोशन हो जाता है, कभी काम छूट गया, लेकिन उस सब के दौरान मैं विश्वास करता हूं कि पिता आप मुझसे प्रेम करते हैं, ये मेरे अच्छाई के लिए ही बदलेगा। प्रेज गॉड। उसके प्रेम पर हमें मजबूत होना है। ओके, नाउ सी दिस वर्स, पहला योहन्ना 4 उसका 18, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम, परफेक्ट लव, ड्राइव्स आउट फियर। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है, और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। एक साथ मेरे साथ वो आखिरी भाग मेरे साथ बोलिए, जो डरता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। एक और बार मेरे साथ बोलिए, जो डरता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। एक और बार, आखिरी बार, जो डरता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। इसको ध्यान से सुनिए, लिसन टू दिस केयरफुली। एक विश्वासी अगर डरता है, वो इसीलिए डरता है क्योंकि वो विश्वास नहीं करता कि पिता उससे प्रेम करता है, इसीलिए वो व्यक्ति डरता है। वही इस वचन में लिखा है, जो लोग भय करते हैं वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुए। पिता आपसे प्रेम करता है, पिता आपके लिए है, उसने अपना इकलौता बेटा आपके लिए दिया है। वो आपका भाड़े का बिल नहीं भरेगा। प्रेज गॉड। उसने अपना इकलौता बेटा आपको दिया है। प्रेज गॉड। क्या वो आपके विवाह को नहीं कराएगा? उसने अपना इकलौता बेटा आपके लिए दिया है। और हमेशा हम अपने आप को यह चीज को याद दिलाते रहते हैं, प्रभु, प्रेज गॉड, मैं आपका प्रिय हूं। आई एम योर बिलव्ड। मैं आपका प्रिय हूं। प्रेज गॉड। मैं आपका प्रिय हूं। आमीन। मैं आपका प्रिय हूं। मैंने आपको कहा भाड़े के घर के बारे में, संडे को मैं प्रचार कर रहा था और उस प्रचार के बीच में किसी का फोन आया। बाद में फोन करके पूछा, उस व्यक्ति ने कहा कि चलो कुछ परेशानी हो गई तो हमें घर में आना पड़ेगा, आपको घर खाली करना होगा। उस समय जहां पर आपका प्रमोशन नहीं हुआ है, उस समय जहां पर अभी आपको शिफ्टिंग करना है, कितना बड़ा काम है शिफ्टिंग। अभी पोर्टर है बोल के अच्छा है, प्रेज गॉड, लेकिन कितना बड़ा काम है शिफ्टिंग। प्रेज गॉड। और आप सोच रहे हैं, लेकिन उस परिस्थिति के बीच में भी आप बोल रहे हैं कि पिता आप मुझसे प्रेम करते हैं, ये मेरे अच्छाई के लिए बदलेगा, ये मेरे अच्छा, मतलब आप पिता के प्रेम में इतने स्थापित हैं, आप कभी भी ये स्वीकार नहीं कर सकते कि पिता आपके विरोध में कुछ कर सकता है। ये आपसे, आप ये एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हैं कि जब कोई विश्वासी आकर आपसे कहे कि आपको जानते हैं यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को कैंसर दिया, आप जानते हैं यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को बीमार किया, आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि आप जानते हैं कि आपका पिता प्रेम है, आपका पिता ऐसा नहीं कर सकता। ही कांट डू इट। यीशु मसीह ने जब किसी के ऊपर हाथ रखा, उसको डायबिटीज नहीं दिया फ्री में, उसको जो बीमारी था वो उसको चंगा किया। कहां पर भी बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है कि यीशु मसीह ने किसी के ऊपर हाथ रखा और वो बीमार हो गए, कहां पर भी नहीं लिखा। और यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का दिखने वाला प्रतिरूप है, और अगर मैं पर,
परमेश्वर को जानना चाहता हूं तो मैं यीशु को देख रहा हूं, और मैं जब यीशु के जीवन को देखता हूं तो यीशु ने किसी भी व्यक्ति को बीमार नहीं किया, क्योंकि वो अच्छा है प्रेम में, आमीन। उसकी करुणा सदा की है, उसने किसी के ऊपर हाथ रख के उसको बीमार नहीं किया, इनफैक्ट किसी ने अगर उसने किसी के ऊपर भी हाथ रखा तो वो चंगे हो गए यीशु के नाम से, प्रेज। मतलब मैं अपने पिता को जानता हूं। और मैंने आपसे ये भी कहा कि एक बार मैं सो रहा था और मेरा सोने का जो पोस्चर था वो गलत था, और जब मैं सुबह उठा तो मेरा गला ऐसा है, प्रेज। ऐसा नहीं है, मैं अपनी वाइफ को पूछ रहा हूँ टेढ़ा हो गया क्या ऐसे, मैं बोल रहा हूँ मंडे का मीटिंग भी करना है, मतलब जो लोग हमेशा कैमरा के सामने रहते हैं आपका गला टेढ़ा नहीं हो सकता, आपका गला सीधा होना ही पड़ेगा, प्लीज। मैं बोल रहा हूँ प्रभु मंडे को प्रेयर स्कूल है सीधा, और मैं ऐसा शर्ट पहन रहा हूँ जहाँ पे गला कवर हो जाता है, प्लीज का मेरे को गला, लोग वेनेसडे या थर्सडे की बात है, प्रभु मुझे बाइबल स्टडी करना है मेरा, लोग देखेंगे प्रचार को छोड़ के देखेंगे पास्टर आशीष का गला टेढ़ा है, बोलो ओ माय गुडनेस क्या करें अभी। लेकिन आप जानते हैं कि वो परिस्थिति को लेकर आप पिता के ऊपर इल्जाम लगा, मैं सो रहा था तो आप क्या कर रहे थे, क्यों नहीं मेरे गले को सुरक्षा किया। वही तो चेलों ने कहा, उन्होंने तुझे परवाह नहीं है कि हम नाश हो रहे हैं, प्रेज गॉड। पिता के ऊपर इल्जाम लगाना, प्रेज गॉड। और मैं जानता था कि पिता ने नहीं किया, ये मेरी गलती थी, लेकिन उस दर्द के बीच में मैंने कहा कि पिता आप मुझसे प्रेम करते हैं, यू लव मी, आप कभी गलत कर ही नहीं सकते, यू आर इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, आप गलत कर ही नहीं सकते हैं, आप सिर्फ अच्छा करते हैं, आपके पास अच्छाई है नहीं, आप अच्छाई हैं, प्रेज। आप सिर्फ अच्छा कर सकते हैं, आप मेरे पिता हैं, आप सिर्फ मेरे बारे में अच्छा ही सोच सकते हैं, वो आपके मन में स्थापित होना है अगर आप एक ऐसे जगह पर आना चाहते हैं जहां पर डर आपको छू ना सके। मेरा पिता गलत कर ही नहीं सकता, ही कांट, वो मेरे नुकसान के बारे में सोच ही नहीं सकता, प्रेज गॉड, ही कांट, वो आपका पिता है, मैं सोच भी नहीं सकता मेरे बेटे अगापे को बीमार करने का। कुछ लोग वहां पर खड़े रहे बोलते ये कैंसर है ना, यीशु ने दिया मेरे को, प्रेज गॉड, यीशु ने नहीं दिया आपको, यीशु नहीं करता ये सब, प्रेज गॉड। तो पिता के प्रेम में स्थापित होना बहुत जरूरी है, और जो बह करता है वो इसीलिए करता है क्योंकि पिता के प्रेम में वो मैच्योर नहीं हुआ, पिता के प्रेम की समझ उस व्यक्ति में नहीं है, पिता के ऊपर इल्जाम लगाता है, पिता के ऊपर दोष लगाता है, पिता के ऊपर भड़क जाता है, पिता के ऊपर दोष देता है। जो विश्वासी पिता के प्रेम में अगर सिद्ध हो जाए वो व्यक्ति कभी डर नहीं सकता, प्रेज गॉड। मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरी वाइफ यहां पर है, मेरे माता पिता भी यहां पर हैं, और मैं उनसे प्रेम करता हूं और वो मुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि यीशु जितना मुझसे प्रेम करता है उतना कोई नहीं कर सकता, प्रेज गॉड, नोबडी। मेरी वाइफ मुझसे बहुत प्रेम करती है, मैं अपने वाइफ से बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं, लेकिन जितना यीशु मुझसे कर सकता है उतना कोई नहीं कर सकता, वो मरा है मेरे लिए, प्रेज गॉड। उससे वो जितना परवाह करता है उतना परवाह कोई नहीं कर सकता, वो मरा है आपके लिए, प्रेज गॉड। किसी हस्बैंड ने वाइफ से कहा, बहुत मजेदार चीज है, ध्यान से सुनिए, किसी हस्बैंड ने, एक्चुअली मैं सोच रहा था कि मैरिज सेमिनार में बताऊं, लेकिन यहाँ पे अगवाही हो रहा है, ये नाम से। किसी पति ने वाइफ से कहा, डार्लिंग मैं आपके लिए चांद तोड़ के लाऊंगा, उनकी वाइफ ने कहा सुनो चांद बाद में तोड़ना, पहले वो जो बर्तन रखा है ना उसको साफ करो, प्रेज गॉड। चांद तक जाने से जस्ट किचन में जाओ और थोड़ा बर्तन है साफ कर दो उसको, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सो पहला योना 4:18 में लिखा है, जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ, पिता मुझसे प्रेम करता है, आई एम हिज बिलव्ड, प्रेज गॉड। ओके, नंबर टू, दूसरा चीज, परमेश्वर के वचन में स्थापित हो जाएं। ये एक ऐसा जगह है, अगर आप स्थापित हो गए तो डर आपको पहुंच नहीं सकता, डर पहुंच नहीं सकता आपके पास,
क्या एक ऐसा जगह है जहां पर डर आप तक पहुंच नहीं सकता? जगह है, प्रेज गॉड, वो जगह है कि आप परमेश्वर के वचन को आपने ऐसा पकड़ लिया है। सोचिए, इस पोडियम को मैंने ऐसा पकड़ लिया है कि जहां पर भी जाता हूं इस पोडियम के साथ जाता हूं। प्रेज गॉड, मतलब परमेश्वर के वचन में आप ऐसे स्थापित हो गए हैं, उस वचन को मानो आपने पहन लिया है, वो वचन के नजर से आप देखते हैं, वो वचन आपके लिए जीवन हो चुका है। और उस जगह में जब एक व्यक्ति आता है, डर उसको छू नहीं सकता, उसको आप डरा नहीं सकते, मुश्किल है, कोई भी चीज इस व्यक्ति को डरा नहीं सकता। एक है पिता का प्रेम, दूसरा है कि आप परमेश्वर के वचन में स्थापित हो जाइए। यह सिर्फ पास्टर्स के लिए नहीं है कि पास्टर को परमेश्वर का वचन पता है, काफी है। नहीं, मुझे परमेश्वर का वचन पता है, डर मेरे पास नहीं आ सकता, लेकिन आपका क्या? प्रेज गॉड, आपको ये वचन सिखाया जा रहा है, यूट्यूब में वचन डाल दिया जा रहा है। और मुझे याद है जब मैं काम करता था, और मैं बोल रहा हूं क्योंकि कुछ लोग यहां पे काम करते हैं, मैं जब WNS कंपनी में था और एबट कंपनी में था, जहां पर 10 से 12 घंटे, कभी कभी 14 घंटे काम है, उस काम के बीच में मैं परमेश्वर के वचन को खा रहा हूं। आई एम ईटिंग इट, ऐसा खा रहा हूं कि सोचिए 2 हफ्ते से खाना नहीं खाया है। मतलब हर एक वचन को ऐसा सुन रहा हूं कि मानो मैं इतने सालों से मुझे खाना मिला नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके लिए ऑक्सीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होना है, परमेश्वर का वचन आपके लिए पानी से ज्यादा महत्वपूर्ण होना है। प्रेज गॉड, परमेश्वर के वचन पर हमें स्थापित होना है, क्योंकि वही चीज है जो शैतान के भरमाने से आपको बचा कर रखेगा, परमेश्वर का वचन। प्रेज गॉड, इसीलिए आपकी जिम्मेदारी है, इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी वचन आप सुनते हैं उसको दोबारा सुनिए, उसको दोबारा सुनिए, उसका दोबारा सुनिए। ट्रेन में जब, मुझे अभी भी याद है, एबट कंपनी से कॉर्पोरेट पार्क, कॉर्पोरेट पार्क से रिक्शा लिया, चेंबूर स्टेशन में आया, चेंबूर स्टेशन से लेकिन नेरुल स्टेशन तक जाना है, मैं अपने ट्रेन के कंपार्टमेंट में आया हूँ, बैठा हूँ, और मैं परमेश्वर का वचन लगा के सुन रहा हूँ और अन्य भाषा में प्रार्थना करो। 12 घंटे के काम के बाद मान दो खोलो ब्रोशी फी टकला मान डगला हंसी के ठीले और परमेश्वर का वचन, आई एम लिसनिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। प्रेज गॉड, उन लोगों को सुना तो उन लोगों की तरह सोचने लगा। प्रेज गॉड, उन लोगों को सुना जो विश्वास में बड़े बड़े कामों को कर रहे हैं और वैसा बोलने लगा। आई स्टार्टेड टॉकिंग लाइक दैट। प्रेज गॉड, Amen. और मैं आपको बोल रहा हूं कि आप परमेश्वर के वचन को सुनिए, टेक द टाइम, समय नहीं है तो समय बना के सुनिए, ताकि आप वचन में क्योंकि एक बार अगर आप वचन में मजबूत हो जाएं, तो आपको डराया नहीं जा सकता। इस वचन को देखिए, होशे 4:6, उसमें लिखा है कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। परमेश्वर ने कहा, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, मतलब बढ़ावा नहीं दिया वचन को, इसीलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, और इसीलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तुच्छ दिया है, मैं भी तेरे लड़के बालों को छोड़ दूंगा। अभी मेरा सवाल आपसे ये है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है, तो परमेश्वर के लोग नाश क्यों होते हैं? शैतान के कारण? नहीं। परमेश्वर के लोग नाश क्यों होते हैं? कोरोना के कारण? नहीं। परमेश्वर के लोग नाश क्यों होते हैं? क्योंकि आर्थिक अकाल है? नहीं। क्या परमेश्वर के लोग इसलिए नाश होते हैं क्योंकि बेरोजगारी है? नहीं। वचन में लिखा है कि मेरे लोग इसीलिए नाश होते हैं क्योंकि वचन का ज्ञान उनमें नहीं है। प्रेज गॉड, मतलब अज्ञानता एक व्यक्ति को नाश कर सकता है। जब ये चीजें मुझे पता चला, मैंने फैसला किया कि मैं वचन में घुस जाऊंगा, आई विल गेट इनटू इट, किसी को बताने के लिए नहीं। प्रेज गॉड, वचन में घुस, क्योंकि मेरे लिए, मैं नाश नहीं होना चाहता हूं, मैं वचन के ज्ञान में बढ़ना चाहता हूं। और मैं ये चीज को जब मैं जाना, मैंने कहा कि मैं वचन में घुस जाऊंगा। प्रेज गॉड, उसके लिए थोड़ा नींद कुर्बान करना पड़े, उसके लिए शायद थोड़ा दोस्तों को कुर्बान करना पड़े, उसके लिए थोड़ा समय कुर्बान करना पड़े, कर देंगे। प्रेज गॉड, आमीन। क्योंकि वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने कहा, जिन लोगों के पास मेरे लोग, मतलब यीशु के लोग नाश हो सकते हैं,
यीशु के लोगों के पास अगर वचन का ज्ञान नहीं है तो वो नाश हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। प्रेज गॉड। इसीलिए आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम वचन में क्या हो जाएं, मजबूत हो जाएं, मजबूत हो जाएं। प्रेज गॉड, बिकम स्ट्रॉन्ग इन द वर्ड ऑफ गॉड। प्रेज गॉड। शैतान वचन का इस्तेमाल करके लोगों को भरमाता है। कितने लोगों को याद है कि यीशु मसीह के पास शैतान ने आकर कहा कि तेरे बाइबल में लिखा है कि अगर तू जम करेगा तो स्वर्गदूत पकड़ेंगे। मतलब अगर आपको वचन अच्छे से नहीं पता है, शैतान आसानी से आपको भरमा देगा। और इसीलिए हमारी सेवकाई का मेन मकसद है कि विश्वासियों को सिर्फ आर्क में नहीं, विश्वासियों को जो भारत के कोने कोने में है, विश्वासियों को परमेश्वर का वचन सिखाना, परमेश्वर के वचन की अहमियत को सिखाना, ताकि वो अपने अपने शहरों में खड़े होकर दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। Praise God. कितनी सारी गवाहियां हमने सुनी है यहां पे। फॉर एग्जाम्पल, गवाही दिया गया कि जब से ये कलीसिया में आए हैं तब से गवाहियों की नदियां शुरू हो गई हैं। क्यों, क्या क्या खास है इस कलीसिया में? यहां पे वचन सिखाया जाता है। Praise God. और वचन में लिखा है जहां पर लोगों के पास, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता हम कितने साल से विश्वासी हैं, वचन में लिखा है कि जहां पर लोगों को परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं, वो कहां पर भी हो, वे लोग नाश हो जाएंगे। Praise God. Amen. लेकिन जहां पर अगर लोगों के पास परमेश्वर के वचन का ज्ञान हो, शैतान उनको नाश नहीं कर सकता। Praise God. इसलिए वो हमें नाश नहीं कर पाएगा। Praise God. और मैं आपके ऊपर बोल रहा हूं कि जो गवाहियों की नदियां आपके जीवन में शुरू हुई हैं, वो कभी भी सूखेंगी नहीं यीशु के नाम से। Never. Praise God. तो मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है, तो हम उसके ज्ञान, उसके वचन को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट वर्स, यशया 5 उसका 13, वेरी पावरफुल वर्स। इसीलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। सब मेरे साथ बोलिए, इतना शक्तिशाली वचन है। डोंट यू लव द वर्ड? इट इज ऑसम। सब मेरे साथ बोलिए, इसीलिए, थोड़ा जोर से बोलिए, इसीलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। एक और बार बोलिए प्लीज, इसीलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। अभी मेरा सवाल आपसे है, विश्वासी लोग बंधुआई में क्यों जाते हैं? अज्ञानता के कारण। क्या इसीलिए जाते हैं क्योंकि उनको बांधने वाला मजबूत है? नहीं, बांधने वाले के बारे में लिखा ही नहीं है। That's amazing. प्रभु ने ये नहीं कहा कि मेरे लोग बंधुआई में जाते हैं क्योंकि शैतान बहुत बड़ा शक्तिशाली है। उसने कहा कि मेरे लोग बंधुआई में इसीलिए जाते हैं क्योंकि मेरे लोगों के पास वचन नहीं है। प्रेज़ गॉड। मतलब अगर हम इस वचन को घुमा दें, अगर एक विश्वासी जिसके पास परमेश्वर का वचन है, वो परमेश्वर के वचन में स्थापित है, वो पिता के प्रेम में स्थापित है, वो कभी बंधुआई में जाएगा नहीं। प्रेज़ गॉड। उसको आप बांध नहीं सकते हैं, बिकॉज लाइट इज फ्रीडम। ज्योति स्वतंत्रता है, लाइट इज फ्रीडम। Praise God. इसीलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। इन वचनों ने मेरे जीवन को बदल दिया है, brothers and sisters. It changed my life. ये किताब को जब हम विश्वास में थे, हम थोड़ा ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से हैं, ये इतना महत्व नहीं दिया है इसको कभी। Praise God. फिर सीखा, जैसे आज आप सीख रहे हैं, फिर सीखा कि ये किताब नहीं है, ये जीवन है, ये हमारा जीवन है, इट्स आवर लाइफ। और जब ये पता चला और फिर ऐसे वचनों को देखा, आप जानते हैं ना, पहले से ही जल रहे हैं, फिर ऐसा वचन और जला देता है आपको। मैं बोला प्रभु आपके लिए कुछ करना है, और फिर वो वचन देखा, ओह माय गुडनेस। मैं बोला इतने साल से क्या कर रहा था मैं, और फिर वचन को सीखने लगा। यूर ओनली एज रिच एज द रेवलेशन यू पोजेस। आप उतने ही धनी हैं जितना प्रकाशन आपके अंदर है। इट्स नॉट अबाउट मनी, मनी फॉलोज लाइट। प्रेज़ गॉड। आप उतने ही धनी हैं जितना प्रकाश आपके अंदर है, क्योंकि पैसा हमेशा
प्रकाश का पीछा करता है ऑलवेज. वो देख रहा है पैसा. मनी इज अ स्पिरिचुअल थिंग. पैसा ढूंढता है कि प्रकाश कहां पर है. इट्स सर्चेस. और जब तक वो प्रकाश के पास आएगा नहीं, पैसा रुक नहीं पाएगा. प्रेज गॉड. ओके नाउ, इसीलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाते. चेंज माई लाइफ, चेंज माई लाइफ. यहां पर शैतान के बारे में नहीं लिखा है, महामारी के बारे में नहीं लिखा है, बेरोजगारी के बारे में नहीं लिखा है, लोगों के बारे में नहीं लिखा है, दोस्तों के बारे में नहीं लिखा है, जादू टोना नहीं लिखा है, काला जादू नहीं लिखा है, पीला जादू नहीं लिखा है. क्यों मेरे लोग बंधुआई में है? वचन को नहीं जानते हैं. इट चेंज माई लाइफ. प्रेज गॉड. ओके सो दूसरा तरीका, सबसे पहले पिता के प्रेम में हमें स्थापित होना है. हर दिन अपने आप से बोलिए कि पिता मुझसे प्रेम करता है. ही लव्स मी. प्रेज गॉड. दूसरा, परमेश्वर के वचन पर स्थापित हो जाएं. आपके परमेश्वर के दास ने बहुत से टीचिंग्स यूट्यूब में रखे हैं. किसके लिए? वेरी गुड. आपके लिए है. प्रेज गॉड. और मैं कमिटेड हूं. मैंने आपसे कहा अगर हफ्ते के 5 दिन भी अगर मुझे वचन सिखाना हो तो आई विल डू इट. लेकिन अभी केवल 3 दिन बोला है. प्रेज गॉड. क्योंकि आई वर्क फॉर हिम. मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ. वो मेरे घर को चलाता है. प्रेज गॉड. तो उसने कहा कि 3 बार और वचन आपको सिखाया जाएगा. यू विल बी टॉट. प्रेज गॉड. और क्यों? ताकि आप उसी टीचिंग्स को आप सुने. आप उसको सुने. यू हियर इट. You hear it. उस वचन को आप सुने. और जैसे जैसे आपके अंदर, मैंने एक व्यक्ति, एक भाई से मैं बोल रहा था कि सुनो, तुम्हें बुरी आदत है, तुम ये आदतों में तुम स्ट्रगल कर रहे हो ना, कोई बात नहीं, उस आदत के साथ उस YouTube के सामने बैठो और वचन को सुनो और वचन को सुनो और वचन को सुनो और उसको एक्सेप्ट करो. वचन को सुनो, उसको एक्सेप्ट करो, वचन को सुनो. आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके अंदर प्रकाश बढ़ रहा है. और जैसे जैसे प्रकाश बढ़ेगा, आप बुरी आदत छोड़ेंगे नहीं, बुरी आदत छोड़ के चले जाएगा. प्रेज गॉड. हालेलुया. आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. परमेश्वर का वचन सुने. हियर द वर्ड ऑफ गॉड. दवाई के कारण वो काम करता है आपके अंदर. इट वर्क्स एज अ मेडिसिन. जो लोग दवाई लेते हैं, पानी पी के फिर सो जाते हैं, वैसे ही परमेश्वर का वचन दवाई के समान है. जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसे आप ग्रहण करते हैं, आप लड़ते नहीं हैं, आप वचन को सुनते हैं, उसको आप ग्रहण करते हैं, वचन आपके अंदर काम करने लगता है. वचन आपके अंदर काम करने लगता है और वचन आपके अंदर यीशु की महिमा उत्पन्न करेगा. वही लोग जो आपको देखकर बोला करते थे कि इससे कुछ नहीं होने वाला, आपको देख के बोलेंगे इसमें कुछ हुआ है. दे विल से इट. क्योंकि वचन करता है. वचन. मैं एक बार एक डीमार्ट जैसे एक जगह पर था. मेरा एक दोस्त मुझे मिला. उसका नाम मुझे तभी भी, उसने कहा कि आशीष. मैं बोला हाँ. तो मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ उस व्यक्ति से बात कर रहा था. तो उस व्यक्ति ने कहा कि क्या हो गया है तेरे को? क्योंकि जब मैं स्कूल में था, मेरा व्यवहार इतना सही नहीं था. प्रेज गॉड. व्यवहार सही नहीं था, थोड़े हरकतें खराब थे. आप जानते हैं आप सब. प्रेज गॉड. हरकतें थोड़ा खराब, क्योंकि सबके हरकतें खराब थी. तो मैं देखा, उसने देखा मुझे और वो ही शॉक्ड. वो हैरान हो गया. वो व्यक्ति, वो बार बार मुझे यही पूछा, तेरे को हुआ क्या? क्या हो गया तेरे को? मैं बोला नो, इट्स जस्ट जीसस मैन, इट्स जस्ट जीसस. प्रेज गॉड. मतलब आप कैसे इतना रेस्पेक्ट के साथ बात कर रहे हैं? आप कैसे इतने आदर? और क्या हुआ आपको? Praise God. और मैं आपको बोल रहा हूं कि वचन को सुनिए. The word will change you. वचन आपको बदल देगा. The word will change you. आप सोचिए, आर्थिक संघर्ष में आप बैठे हो, आप वचन को सुनिए. You listen to the word of God. परमेश्वर का वचन आपकी परिस्थिति को बदल देगा. It will change. कर देगा. I know. Praise God. उदाहरण आपके सामने खड़ा है. Amen. Okay. Point number 3. अभिषेक, come and play. Finally. कैसे आप ऐसे जगह पर आए जहां पर डर आपको पहुंच नहीं सकता? लंबवत और क्षैतिज संगति में स्थापित हो. वेरी इंपॉर्टेंट. बी एस्टैब्लिश्ड इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फेलोशिप.
लंबवत मतलब ऐसा, और क्षैतिज मतलब कैसा, ऐसा। इसको ध्यान से देखिए, सबको मैं कुछ चीज बता, देखिए ऐसा एक्सरसाइज नहीं है। लंबवत का मतलब है कि अपनी संगति यीशु के साथ स्थिर करिए। क्षैतिज का मतलब है यीशु के साथ संगति करके चांद में मत रहिए। क्षैतिज का मतलब है यीशु के साथ संगति कीजिए और विश्वासियों के बीच में जीना सीखिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग यीशु के साथ इतना समय बिताते हैं नीचे आने का टाइम नहीं है, कुछ लोग लोगों के साथ इतना टाइम बिताते हैं कि यीशु के साथ टाइम नहीं है। दैट इज डेंजरस। प्रेज गॉड। हम लंबवत वर्टिकल, यीशु के साथ आपका रिश्ता मजबूत हो और साथ में विश्वासियों के साथ, विश्वासियों के बीच में रहना हमको सीखना है, जहां पर एक विश्वासी भाई बहन, दूसरा विश्वासी भाई बहन, विश्वासी परिवार, हम सब मिलके हंसते हैं, हम सब मिलके एक दूसरे के चीजों को हम बात करते हैं। वो परिवार में रहना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक व्यक्ति कहे कि मैं अकेला रहूंगा, वो व्यक्ति टारगेट है शैतान के लिए। विश्वासी जीवन को आप अकेला नहीं जी सकते हैं। यू कांट लिव इट अलोन। आपको मसीह के देह में डाला गया है और मसीह के देह में बाकी विश्वासी भी हैं। हमारे अंदर मसीह है और आपको मसीह की देह में रखा गया है। इसको ध्यान से सुनिए, आपके अंदर मसीह है और आपको मसीह की देह में रखा गया है। आपके अंदर मसीह है ताकि आप उसके साथ संगति कर सकें, और आप मसीह की देह में हैं ताकि हम एक दूसरे के साथ संगति कर सकें। और जब हम अपने लंबवत और क्षैतिज संगति में स्थापित हो जाएं, शैतान का डर आपके ऊपर काम नहीं करेगा। इट वॉन्ट वर्क, इट वॉन्ट वर्क। हमें यीशु के साथ बैठना सीखना है। वी मस्ट लर्न टू सिट विद जीसस। प्रेज गॉड। और हमें विश्वासियों की संगति में रहना जरूरी है। प्रेज गॉड। हमें अकेला नहीं रहना है। वी मस्ट नॉट बी अलोन। हमें विश्वासियों की संगति में रहना बहुत जरूरी है। प्रेयर मीटिंग्स हो गया, चर्च मीटिंग हो गया, या पिकनिक में हम गए, या किसी के घर में मीटिंग है, तो वी हैव टू बी देयर। क्यों? क्योंकि हम संगति में रहना बहुत जरूरी है। आमेन। जब हम हंसते हैं मिलकर, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे का कवरिंग है, क्या होगा उस व्यक्ति को जो अकेला है और उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है? इट्स वेरी डेंजरस। वचन में लिखा है अगर एक व्यक्ति गिर जाए, अगर उसको उठाने वाला कोई नहीं, लेकिन दो एक से बेहतर हैं, क्योंकि अगर एक गिर जाए तो दूसरा उसको उठा सकता है। प्रेज गॉड। हमें अपने आप को संगति में रखना जरूरी है, और हमें यीशु के साथ हम अपनी संगति को मजबूत करें, और आपस में विश्वासी भाई बहनों के बीच में हम अपने आप को रखें, क्योंकि शैतान उस जगह पर पहुंचना उसको बहुत मुश्किल है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। प्रेज गॉड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज स्टैंड। आइए हम खड़े हो जाएंगे और इस गीत को हम गाएंगे। विल सिंग दिस सॉन्ग प्रोबेबली फॉर 5 मिनट्स। प्रेज गॉड। गिव मी द स्टार्ट, मिशन, गिव मी द स्टार्ट। ओके, आइए इस गीत को हम गाएंगे। विल सिंग दिस सॉन्ग। आत्मा तू है यहां। इस गीत को हम गाएंगे। हालेलुया। आइए सबकी आंखें बंद है। गो अहेड सिंग इट। पवित्र आत्मा तू है यहां। पवित्र आत्मा तू है यहां। तेरा महिमा होवे यहां। पवित्र आत्मा तू है यहां। तेरी महिमा होवे यहां। क्योंकि तू जो है सो क्योंकि तू जो है सो है। पवित्र आत्मा, एक और बार हम इसको गाएंगे। पवित्र आत्मा तू है यहां।
कदम उठा के जस्ट वर्शिप हिम तेरी महिमा हो बे यहाँ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तू है यहाँ तेरी महिमा हो बे यहाँ क्योंकि तू जो है जो है सो है तेरी सामर्थ चूले यहाँ अभिषेक पाए यहाँ तेरी सामर्थ चूले यहाँ अभिषेक पाए जो है सो है क्योंकि तू जो है सो है चंगाई हो बे यहाँ छुटकारा पाए यहाँ चंगाई हो बे छुटकारा पाए यहाँ क्योंकि तू जो है सो है क्योंकि तू जो है सो है यीशु मसीह कल और यीशु मसीह कल और आज युगानुयुग एक सा ही है क्योंकि तू जो है सो है क्योंकि तू जो है सो है यीशु मसीह कल Thank you, Lord. हो सकता है कि शायद आप एक चुनौती का सामना कर रहे हैं. Maybe you're going through a challenge.
हो सकता है कि आप एक चुनौती का सामना कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि चुनौती के बीच में, राइट इन द मिडस्ट ऑफ योर चैलेंज, बिलीव द फादर्स लव. अपने चुनौती के बीच में आप विश्वास कीजिए कि पिता मुझसे प्रेम करता है. बिलीव द फादर लव्स यू बिकॉज आपका पिता आपके लिए काम कर रहा है. ये मुसीबत आपको तबाह नहीं करेगा, ये मुसीबत आपके लिए एक सीढ़ी होगा जिसके ऊपर आप चढ़कर ऊपर जाएंगे. Your father is for you. Your father is for you. आपका पिता आपके लिए है. यीशु मसीह ने कहा कि मैं मेरे पिता के हाथ में हूं और कोई भी और कुछ भी मुझे मेरे पिता के हाथ से बाहर नहीं निकाल सकता. Praise God. मेरे साथ बोलिए, मैं पिता के हाथ में हूं. मैं पिता के हाथ. सब विश्वास के साथ बोलिए, मैं पिता के हाथ में हूं. कोई भी कुछ भी, कोई भी चुनौती मुझे मेरे पिता के हाथ से नहीं छीन सकता, क्योंकि मेरा पिता सबसे बड़ा है, सबसे शक्तिशाली है. वो मेरे लिए है, वो मेरे लिए काम कर रहा है, वो मेरे मार्ग को तैयार कर रहा है, वो सही लोगों को मेरे पास लेकर आ रहा है. मैं केवल ऊपर जाऊंगा, कभी पीछे नहीं, केवल ऊपर जाऊंगा, केवल आगे जाऊंगा, क्योंकि मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है. माई फादर लव्स मी. हालेलुया. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए. और मैं आज ये प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु, हर एक बीमारी, हर एक रोग और हर एक मानसिक तनाव जो लोगों के मनों में है, उस मानसिक तनाव को, उस बीमारी, इस रोग को यीशु के नाम से मैं उन दुष्टात्मा का सामना करता हूं. आई रिजिस्ट यू इन द नेम ऑफ जीसस. हमारे लोगों के मनों को, हमारे लोगों के शरीरों को, हमारे लोगों के परिवारों को छोड़कर इसी वक्त जा यीशु के नाम से. I release the peace of God. और प्रभु, आपके शलोम को हम आपके लोगों के ऊपर आजाद करते हैं, उनके व्यापारों में, उनके बिजनेसेस में, उनके ऑफिसेस में, उनके जॉब्स में, वो जहां पर भी है, प्रभु आपके फेवर को हम आजाद करते हैं. We release the favor of God. और आने वाले दिनों में प्रमोशन की गवाहियां होंगी, आने वाले दिनों में पोजीशन ऊपर जाने की गवाहियां होंगी, आने वाले दिनों में प्रभु इंक्रीमेंट्स की गवाहियां होंगी, आने वाले दिनों में बोनस की गवाहियां होंगी, क्योंकि प्रभु आपका फेवर हमारे लोगों के ऊपर है. Your favor is upon our people. प्रभु, जैसे एक गवाही में हमने सुना कि अलौकिक रीति से कर्ज कम हुआ, प्रभु उस गवाही को आज आजाद करते हैं. उस डिक्री, डिक्री दिस थिंग कि प्रभु अलौकिक रूप से लोगों के कर्ज को मिटा दिया जा रहा है यीशु के नाम से, सुपरनैचुरली. एंड फादर, ऐसा आपने किया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं. हमारा घमंड आपका प्रेम है, हमारा घमंड आपका प्रेम है. सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर. आमेन, आमेन. प्रेज गॉड.